तो चांद के लिए एक बड़ा साहस का दिन कैसे था कि उसने और ये ट्राई करी यासु के चांद से, मैं उसने नहीं कह रहा जी, गलती आपकी है, यासु के चांद से मिलना था। सर आप लोगों की आवाज आ रही है? हमने ना वायर, सर आप लोगों की आवाज आ रही है? नहीं एक बात सुनो, मैं आज आज हमने पता कर लिया, हमें बता जाओ यदि तुम में नहीं है तो हम यहाँ से स्टार्ट कर लेंगे, कर लेंगे हम। उसने पता है हमने क्या करा, पहले हमने स्विच यहाँ लगाए इस वाले बोर्ड पे, ये नहीं चला हमने उसमें भी लगाए, मैं हो क्या रहा सर? राजन सर आपकी आवाज आ रही है? हाँ जी, तोतो चांद को यासु के चांद से मिलना था और इसके बारे में न तो तोतो चांद के माता पिता को कुछ पता था और न ही यासु के चांद के माता पिता को। और तोतो चांद ने यासु के चांद को अपने पेड़ पर चढ़ने के लिए बुला लिया था। न तो यासु के चांद के माता पिता को इस बात के बारे में पता था और न तोतो चांद के माता पिता को पता था। तो तोमोए में हर एक बच्चा बाग के एक एक पेड़ को अपने खुद के चढ़ने का पेड़ मानता था। तोतो चांद का पेड़ मैदान के बाहरी हिस्से में कुहोन बुत्सु जाने वाली सड़क के पास था। बड़ा सा पेड़ था उसका, किसका? तोतो चांद का। और चढ़ने जाओ तो पैर फिसल फिसल कर जाते थे, ऊंचा पेड़ था। पर ठीक से चढ़ने पर जमीन से कोई 6 फुट की ऊंचाई पर एक द्विशाखा तक पहुंचा जा सकता था। द्विशाखा होता जहां दो टहनियां निकली हुई हों। बिल्कुल किसी झूले की आरामदेह जगह थी यह। देखिए दोबारा, तोतोए में हर एक बच्चे का, जो बाग के अंदर पेड़ थे, एक एक पेड़ अपना चुना हुआ होता था और उस पेड़ को वे अपना मानते थे। तो इसी में तोतो चांद का भी एक पेड़ था। कहाँ पर था? कुहोन बुत्सु जाने वाली सड़क के पास था और बड़ा सारा पेड़ था। और जब वे उसके ऊपर चढ़ते तो पैर भी फिसलते थे। जमीन से कोई 6 फुट ऊंचाई पर दो टहनियां निकल रही थी और वह एक झूले की तरह लगता था। बच्चे उस पर बैठ करके आराम से मजे करते थे। तो उसी को द्विशाखा कहा जाता है, जहां से दो टहनियां, बड़े बड़े टहने निकली हुई हो। तोतो चांद अक्सर खाने की छुट्टी के समय या स्कूल के बाद ऊपर चढ़ी मिलती थी। कहाँ चढ़ी मिलती थी तोतो चांद? पेड़ के ऊपर, खाने की छुट्टी होती या स्कूल के बाद या लंच टाइम होता या स्कूल के बाद, वह कहाँ मिलती? उस पेड़ के ऊपर ही मिलती थी। वहां से वह सामने दूर तक ऊपर आकाश को या नीचे सड़क पर चलते लोगों को देखा करती थी। पेड़ पर चढ़कर, क्योंकि ऊंचाई पर चढ़ करके इधर उधर देखना आसान हो जाता है, सब कुछ आराम से दिखाई देता है। तो तोतो चांद पेड़ पर चढ़कर इन सब चीजों को देखा करती थी। बच्चे अपने अपने पेड़ को निजी संपत्ति मानते थे। किसी दूसरे के पेड़ पर चढ़ना हो तो उससे पहले पूरी शिष्टता से माफ कीजिए, क्या मैं अंदर आ जाऊं, पूछना पड़ता था। बच्चे अपने अपने पेड़ को क्या मानते थे? अपनी निजी संपत्ति, की अपना, मेरा ही पेड़ है, मेरी ही धन दौलत है, जो भी है ये मानते थे उसको। किसी दूसरे बच्चे के पेड़ पर यदि किसी बच्चे को चढ़ना होता था तो उससे पहले सभ्यता से माफ कीजिएगा बोला जाता है। यानी आप कहीं किसी के घर जाओ या जो भी कुछ सामान मांगो तो रिक्वेस्ट नहीं करके प्लीज ये दे दीजिए, ऐसे करके बोलते हो ना, तो ऐसे ही वो बच्चे भी दूसरे के पेड़ पर चढ़ना होता तो ऐसे ही सभ्यता से उससे परमिशन लेते थे। यासु के चांद को पोलियो था, इसलिए वह न तो किसी पेड़ पर चढ़ पाता था और न ही किसी पेड़ को निजी संपत्ति मानता था। अतः तोतो चांद ने उसे अपने पेड़ पर आमंत्रित किया था, पर यह बात उन्होंने किसी से नहीं कही, क्योंकि अगर बड़े सुनते तो जरूर डांटते। यासु के चांद को पोलियो था, तोतो चांद का फैन था ये, और इसीलिए जब इसको पोलियो था तो इसीलिए यह किसी पेड़ पर भी नहीं चढ़ पाता था और अपनी किसी भी पेड़ को न इसने अपनी संपत्ति माना था। क्यों माना था, क्यों नहीं माना था? क्योंकि यह चढ़ तो पाता नहीं था, कैसे पेड़ पर चढ़ता और कैसे मजे करता, तो इन्होंने किसी पेड़ को अपने लिए चुना ही नहीं था।
और इसीलिए तोतो चान ने यासुकी चान को अपने पेट पर चढ़ने के लिए आमंत्रित किया था, यानी बुलाया था। पर ये बात किसी को भी नहीं पता थी दोनों के घरों में से। यदि किसी बड़ों को पता होती तो वे उन बच्चों को डांटते, इस करके उन्होंने किसी को भी नहीं बताई थी। घर से निकलते समय तोतो चान ने माँ से कहा कि वह यासुके चान के घर डेनेन चोफू जा रही है। चूंकि वह झूठ बोल रही थी इसलिए उसने माँ की आंखों में नहीं झांका। वह अपनी नजरें जूतों के फीतों पर ही गड़ाई रही। रॉकी उसके पीछे पीछे स्टेशन तक आया। जाने से पहले उसे सच बताए बिना तोतो चांद से रहा नहीं गया। अब घर से जब तोतो चांद निकली तो अपनी माँ से यह कहकर निकली थी कि यासु चांद के घर जा रही है, और उसका घर कहाँ था? डेनेन चोफू। वह अपनी माँ से झूठ बोलकर जा रही थी, इस करके वह अपनी माँ की आंखों में आंखें डालकर नहीं भूल पा रही थी। झूठ के कारण वह नीचे देखती गई, अपने जूतों के फीतों के ऊपर ही देखती रही थी। जो भी बच्चा झूठ बोलता है तो उसकी नजरें सामने नहीं किसी के साथ मिल पाती। उसके दिल में, मुंह से चाहे भले ही झूठ बोले लेकिन दिल में एक डर रहता है कि मैं गलत काम कर रहा हूँ। तो ऐसे ही तोतो चान के मन में था, तो इस करके वह अपनी माँ की आंखों में आंखें डालकर नहीं बोल पा रही थी कि वह झूठ बोल रही है इस कारण। और रॉकी जो था उसके पीछे पीछे स्टेशन तक चला गया था, लेकिन जो रॉकी था उसको सच बताए बिना वह वहां से नहीं जा सकी। फिर उसके बाद मैं यासुके चान को अपने पेट पर चढ़ने देने वाली हूँ, उसने बताया। जब तोतो चान स्कूल पहुंची तो रेल पास उसके गले के आसपास हवा में उड़ रहा था। यासुके चान उसे मैदान में क्यारियों के पास मिला। गर्मी की छुट्टियों के कारण सब सुना पड़ा था। यासुके चान उससे कुल जमा एक ही वर्ष बड़ा था, पर तोतो चान को वह अपने से बहुत बड़ा लगता था। यासुके चान को पेड़ पर चढ़ने, ये जो तोतो चान थी उसने उसको बताया था रोकी को कि वह यासुके चान को आज अपने पेड़ पर चढ़ने देने वाली है। जब तोतो चान स्कूल पहुंची तो जो रेल पास था उसके गले के आसपास हवा में ही घूम रहा था, उड़ रहा था। यासुके चान उसे मैदान में क्यारियों के पास मिला, जो कि तोतो चान ने उसे बुलाया था। गर्मी की छुट्टियां जो हो गई थी तो गर्मी की छुट्टियों के कारण ज्यादा वहां पर भीड़ भी नहीं थी, सूना सा दिखाई दे रहा था, क्योंकि स्कूलों की छुट्टियां हो जाती है ना, तो छुट्टियों के कारण सूना दिखाई दे रहा था वहां पर, बच्चों की वहां वो नहीं थी, चहचहाट नहीं थी, बच्चे किलकारियां मारते हैं, खेलते हैं, जो भी हैं, कुछ आवाज नहीं आ रही थी। यासुके चान उससे कुल एक ही वर्ष बड़ा था, किससे? तोतो चान से। लेकिन दिखने में तोतो चान को यासुके चान काफी बड़ा लगता था, क्योंकि वह सेहत में अच्छा था और तोतो चान उससे काफी हल्की थी। जैसे ही यासुके चान ने तोतो चान को देखा तो वह पैर घसीटता हुआ उसकी ओर बढ़ा। उसके साथ अपनी चाल को स्थिर करने के लिए दोनों ओर फैले हुए थे। दोनों ओर उसके हाथ अपनी चाल को स्थिर करने के लिए दोनों ओर फैले हुए थे। तोतो चान उत्तेजित थी। वे दोनों आज कुछ ऐसा करने वाले थे जिसका भेद किसी को भी न पता था। वह उल्लास में ठिठिया कर हंसने लगी। यासुके चान भी हंसने लगा। जैसे ही यासुके चान ने तोतो चान को देखा आते हुए तो वह पैर घसीटते हुए, क्योंकि पैर से तो उससे चला नहीं जा रहा था, उसके पैर में पोलियो था, तो वह पैर को घसीटते हुए आगे आ रहा था और अपना बैलेंस बनाने के लिए अपने दोनों हाथों को फैलाकर चल रहा था। इस लाइन का ये अर्थ है कि अपने शरीर के बैलेंस को बनाने के लिए दोनों हाथों को साइड में करके वह चला आ रहा था। और तोतो चांद भी बड़ी उत्तेजित थी उनको पेड़ पर चढ़ाने के लिए। वे दोनों आज कुछ ऐसा करने वाले थे जिसके बारे में किसी को भी पता नहीं था। वह उल्लास के कारण हंसी ठिठियाकर हंसने लगे और यासुके चांद भी हंसने लगा। समझ आ गया होगा ना यहाँ तक। अगले पेज पर देखिए।
तोतो चांद यासु के चांद को अपने पेड़ की ओर ले गई और उसके बाद वह तुरंत चौकीदार के छप्पर की ओर भागी, जैसा उसने रात को ही तय कर लिया था। वहां से वह एक सीढ़ी घसीटती हुई लाई, उसे तन्ने के सहारे ऐसे लगाया जिससे वह द्विशाखा तक पहुंच जाए। वह कुर्सी के ऊपर चढ़ी और सीढ़ी के किनारे को पकड़ लिया। तब उसने पुकारा, ठीक है, अब ऊपर चढ़ने की कोशिश करो। तो चांद यासु के चांद को अपने पेड़ की ओर ले गई, पेड़ पर चढ़ाना था ना, तो पेड़ के पास यासु के चांद को ले गई और उसके बाद वह चौकीदार के छप्पर की तरफ जाकर के वहां से एक सीढ़ी को घसीटते हुए लाई। उसने रात को ही सोच लिया था कि वह कैसे यासु के चांद को पेड़ पर चढ़ाएगी। सीढ़ी को ला करके उसने तने के सहारे सीढ़ी को खड़ा कर दिया, कहां तक, जहां से दो टहनिया निकले हुए थे, वहां तक सीढ़ी को खड़ा किया और वह कुर्सी पर चढ़ गई। कौन? तोतो चांद कुर्सी पर चढ़ करके सीढ़ी के ऊपर किनारे को पकड़ लिया कि कहीं सीढ़ी गिर न जाए। ऊपर तो जो द्विशाखा थी वहां पर अटका दिया और ऊपर कुर्सी पर चढ़कर खुद भी उसको पकड़ लिया कि कहीं यह गिर न जाए, और जो यासु की चांद है वह कुर्सी सीढ़ी के साथ नीचे न गिर जाए। तब उसने उसे पुकारा, बुलाया यासु की चांद को कि ठीक है, अब मैं इसको पकड़कर खड़ी हूं, अब धीरे धीरे ऊपर चढ़ने की कोशिश करो। यासु की चांद के हाथ पैर इतने कमजोर थे कि वह पहली सीढ़ी भी बिना सहारे के चढ़ नहीं पाया। यासु की चांद पैरालाइज था तो हाथ पैर भी बहुत ही कमजोर थे, उसके शरीर में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह थोड़ा सा जोर लगा के ऊपर चढ़े। वह पहली भी सीढ़ी नहीं चढ़ पाया था। इस पर तोतो चांद नीचे उतर गई। कुर्सी के सहारे से तोतो चांद पहले ऊपर चली गई और पकड़ लिया था सीढ़ी को। तो जो वह यासु की चांद नहीं चढ़ पाया तो तोतो चांद नीचे उतर गई और यासु की चांद को पीछे से धकियाने लगी, यानी पीछे से नीचे से सहारा देकर धक्का देकर के ऊपर चढ़ाने की कोशिश करने लगी सीढ़ी पर। कहां पर चढ़ाने की कोशिश करने लगी? सीढ़ी पर। पर तोतो चांद थी छोटी और नाजुक सी, इससे अधिक सहायता क्या करती। यासु की चांद है वह शरीर में मजबूत था, ताकतवर था, और जो तोतो चांद थी वह लड़की थी और हल्की थी, तो इस करके वह ज्यादा सहायता भी नहीं कर पा रही थी। जितनी उससे सहायता हो पा रही थी वह सहायता कर रही थी। यासु की चांद ने अपना पैर सीढ़ी पर से हटा लिया और हताशा से सिर झुकाकर खड़ा हो गया। यासु की चांद जैसे सीढ़ी पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था, उसे नहीं चढ़ा जा रहा था, ताकत भी लगाई नीचे से, तोतो चांद ने भी उसको सहारा दिया, ऊपर की तरफ धकेला, लेकिन फिर भी वह नहीं चढ़ पाया और उसने सीढ़ी से पैर को हटा लिया। क्यों? क्योंकि जैसे कि हिम्मत हार करके पीछे हट गया कि यह मुझसे नहीं चढ़ा जाएगा, और हताशा से सिर झुकाकर खड़ा हो गया, हार मानकर एक तरह से सिर नीचे करके खड़ा हो गया कि अब मुझसे नहीं चढ़ा जाएगा। तोतो चांद को पहली बार लगा कि काम उतना आसान नहीं है जितना वह सोचे बैठी थी। अब करे तो क्या करे। और तोतो चांद को भी ऐसा लगा कि उसने तो सोचा था यह काम बहुत ही आसान है, वह यासु की चांद को आराम से पेड़ पर चढ़ा देगी और आसपास की दुनियादारी को या जो भी है वातावरण को दिखाएगी और उसे खुश कर देगी, लेकिन यह इतना आसान नहीं है जितना कि उसने सोचा था। अब वह सोच रही है कि अब मैं करूं तो क्या करूं। यासु की चांद उसके पेड़ पर चढ़े, यह उसकी हार्दिक इच्छा थी। यासु की चांद तोतो चांद के पेड़ पर चढ़े, यह तोतो चांद के मन में इस चीज की बहुत ही कामना थी, बड़ी ही दिल से इच्छा थी। यासु की चांद के मन में भी उत्साह था। वह उसके सामने गई, उसका लटका चेहरा इतना उदास था कि तोतो चांद को उसे हंसाने के लिए गाल फुलाकर तरह तरह के चेहरे बनाने पड़े। जो यासु की चांद था वह उदास हो गया था और अपने मुंह को लटका कर खड़ा था, उदास होकर के खड़ा हुआ था, तो उसके ऐसे चेहरे को देख करके तोतो चांद उसे हंसाने के लिए तरह तरह के अपने मुंह का आकार बनाने लगे कि किसी तरह से यह जो निराश है, हताश है, यह खुश हो जाए और इसका जो है मन प्रसन्न हो जाए। तो उसके बाद फिर उन्होंने कहा,
तो चाने कि ठहरो, एक बात और सूझी है, यानी एक बात और मेरे दिमाग में आई है, वह क्या है? उसने सोचा फिर कि वह फिर चौकीदार के छप्पर की ओर दौड़ी और हर एक चीज उलट पुलट कर देखने लगी। आखिर उसे एक टिपाई सीढ़ी मिली जिसे थामे रहना भी जरूरी नहीं था। क्या किया उसने? फिर एक और सोचा उपाय कि वह भागी भागी चौकीदार के छप्पर में गई और वहां सब चीजों को उलट पुलट कर देखने लगी कि कुछ मिल जाए, किसी चीज का और सहारा ले लें और जिससे कि यासु की चांद को पेड़ पर चढ़ाया जा सके। अंत में उसे मेहनत करने के बाद एक टिपाही सीढ़ी मिली। टिपाही होती है जिसके तीन पाए हों, चौपाई होती है जिसके चार पाए हों। तो तीन पायों वाली उसे सीढ़ी मिली स्टूल टाइप में, जिसे पकड़ना भी इतना जरूरी नहीं था, गिरने का भी डर नहीं था। आज इतना ही लेसन करेंगे आज की मीटिंग में, बाकी बचा हुआ लेसन अगली मीटिंग में। तो आपको इसके इंटरनल क्वेश्चन निकालने हैं जितना भी लेसन हुआ है, और अगला लेसन जो बचा है वो आपने पढ़ना है। इसके बाद आप जितना भी लेसन पढ़ा है मैं उसमें से आपसे क्वेश्चन सुन रही हूँ, तो आपको क्वेश्चन सुनाने हैं इंटरनल। जिसका भी मैं नाम बोलूंगी वो बच्चा क्वेश्चन सुनाएगा। हाँ जी, पूछूं क्वेश्चन?